उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो कल एक स्टेटमेंट आई है ओलंपिक एसोसिएशन ने जो WFI को भंग किया है, तो खिलाड़ियों का जो भारतीय बेटियों का जो न्यायिक लड़ाई उसमें जीत का पहला कदम रखा है, क्योंकि पूरी बॉडी को भंग किया गया है और ये हमारी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, पहली जीत है हमारी और इसके बाद लगातार जारी रहेगी लड़ाई जब तक न्याय नहीं मिल जाता। आज 22 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए और अभी तक कोई भी रूलिंग पार्टी से बीजेपी से कोई भी महिला सांसद आके हमारे साथ में नहीं बैठे हैं या ग्रीवेंस नहीं दिखाया उन्होंने बेटियों के सम्मान के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो जितने भी महिला सांसद हैं बीजेपी में हम उनको बाय हैंड लेटर लिख के और ईमेल करके हम लेटर लिखेंगे कि हमारे समर्थन में आइए और जो भी आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं या जो भी महिलाओं के सम्मान की आप बात करते हैं, तो हम भी आपकी बेटियां हैं, हम भी इसी समाज से हैं, तो हमारे भी मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो वो हमारे समर्थन में आए। तो उसके लिए हम उनको एक ओपन लेटर लिख रहे हैं, हमारे जो साथी रेसलर है वो उनके घर पे जाके बाय हैंड वो डिलीवर करके आएंगे और हम ईमेल से भी उनको वो लेटर सेंड करेंगे ताकि उन तक वो लेटर पहुंचे। और क्योंकि हमें लगता है कि 22 दिन हो गए शायद हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है, शायद आप लोग उन तक हमारी आवाज पहुंचाने में असमर्थ हैं ऐसे लग रहा है क्योंकि अभी तक वो हमारे पास आए नहीं है, तो हमने ये कोशिश की है कि हम जो महिला सांसद हैं उनके घर भी बहन बेटियां हैं, उनकी भी बहनें हैं, तो उन तक हम अपनी आवाज पहुंचाएं क्योंकि वो आवाज उन तक जाएगी तो शायद हमें ऐसे लगता है कि वो हमारे यहाँ हमारे समर्थन में आएंगी, क्योंकि ये सिर्फ हमारी रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, ये देश की हर उस बेटी की लड़ाई है, हर उस बहन की लड़ाई है जो इंसाफ मांग रही है आज देश से। सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार 22वें दिन भी इतना समर्थन सब सपोर्ट कर रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूंगी कि मेरे सभी सभ्य समाज के लोगों अपनी बेटियों के सिर पर हाथ रख के कसम खा के देखो कि हमें अपराधी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो चुराहे पर आके भी बोल दें और हम पूरे देश के सामने बोल रहे हैं और वो अपराधी है और इसके लिए बहुत ताकत चाहिए लड़ने के लिए और आप सबका समर्थन चाहिए। मैं बस यही कहना चाहूंगी जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं जो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं या किसी उससे असमर्थ आने में, तो कुछ भी करके थोड़ा सा टाइम एक एक दो दो घंटे आओ यहाँ, अपने बच्चों को लाओ अपनी बेटियों को लाओ कि उन्हें भी शक्ति मिले आगे इस समाज से लड़ने की या किसी अपराधी से लड़ने की, क्योंकि उनको दिखाओगे तभी उनमें हौसला आएगा। तो बस आप सबसे जो मुझे सुन पा रहे हैं यहाँ बैठने वाले तो बहुत समर्थन कर ही रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है आप सब लोग हमारे समर्थन में आओ। बस धन्यवाद। हम सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, परसों सभी अपने अपने जिला मुख्यालय के सामने जाके ज्ञापन दें और एक सत्याग्रह आंदोलन की हम मांग करते हैं, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करते हैं कि 16 तारीख को अपने अपने जिला मुख्यालय के सामने जाएं, ज्ञापन दें जिला मुख्यालय में जाके और सत्याग्रह करें एक दिन के लिए हमारे समर्थन में देश की बेटियों के सम्मान और मान सम्मान की लड़ाई में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि और आप मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी आवाज को पूरे देश तक पूरे जन जन तक पहुंचाए, क्योंकि आप लोगों में जो ताकत है वो देश के किसी भी कोने तक बात पहुंचाने की, तो वो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी इस चीज में इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा इस तरह से समर्थन कर सकते हैं और जितना भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसका हम एज ए लड़की होने के नाते हमें अभी प्राउड भी फील होता है कि हम बहुत लेट कर दिया ये आवाज उठाने में, हमें नहीं पता था कि हमारे जो परिवार के लोग हैं वो हमारे इतने साथ में खड़े हो जाएंगे इस लड़ाई में, तो बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान हमें मिल रहा है। और मैं चाहूंगी कि देश की हर उस बेटी को जो न्याय के लिए मांग कर रही है या उसके मन में झिझक है कि एक बार एक कदम घर से बाहर निकाल के तो देखो, आपके लिए पूरा देश खड़ा ना हो जाए तो हमें बोल देना। धन्यवाद। कोई हाँ जी लेटर भी है हमारे पास में, लेटर है सभी हमारे पास में, हम आप लोगों को दिखा सकते हैं, अगर पिक्चर्स क्लियर आ जाए तो आप लोग निकाल सकते हैं। और ये सारे भी है। ये सारी ठीक है, ग्रुप में डाल। ये सभी लिस्ट है जिनको हम महिला सांसद जितने भी बीजेपी से हैं हम उनको भेज रहे हैं, ये ग्रुप में डाल रहे हैं।
ग्रुप में डाल देंगे। हमने दो ग्रुप बनाया है आप सभी मीडिया वालों के लिए, तो हम उसमें भी डाल सकते हैं अगर पिक्चर्स क्लियर नहीं आ रही है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिए आज का हो गया है। चलो धन्यवाद जी, थैंक यू। हाँ ग्रुप में भी डालते हैं, कोई बात नहीं, बैठ जाओ।